परम का द्वार, सागर गंगा का मिलन अपार। ओ सागर गंगा का मिलन अपार, ओ सागर गंगा का मिलन अपार। सजानंद स्वामी महाराज गुरु हरि काका जी महाराज गुरु हरि पप्पा जी महाराज सर्वे प्रगण ब्रह्म स्वरूपो जय जय जय। परिवेश दर्शन मंदहास रुचिरान बुजम पूजितम सुर नरम वंदे श्री पुरुषोत्तम चोपरमं तथा
पुरुषोत्तम महाराज जय सर्वे गुणातीत स्वरूपोनी जय 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 प्रकट ब्रह्म स्वरूप काका जी महाराज पप्पा जी महाराज बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव जय प्रकट ब्रह्म स्वरूप हरि प्रसाद स्वामी महाराज जय प्रकट ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज महंत स्वामी महाराज जय प्रकट ब्रह्म स्वरूप जस भाई साहेब प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो जय सर्वे गुणातीत सत्पुरुषोनी जय 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 विक्रम संवत 2076 माक्षर सुधी एकादशी एक्स्ट्रा एकादशी दिनांक 7 डिसेम्बर 2019 काकाजी का स्मृति दिन सबको भक्त लोग को बड़ी श्रद्धा है बड़ी श्रद्धा से यहाँ आते हैं औरंगाबाद से भी आ जाए हैं घनश्याम भाई इलाहाबाद भी फॉरन से भी आ गए और दर्शन भाई आके तबला पे विराजमान हो गए फॉरन के भक्तों की भी सवारियाँ चालू हो गई नवंबर महीना बड़ा ही इवेंटफुल और इपोक मेकिंग था 1911 अभी निलंबन बता रहे थे हमारा धनभाग्य है कि 7 को कोई ना कोई गुणातीत संत बेन आ जाते हैं तो आज निलंबन आ गए हैं हम उनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सहज में आ गए तो बता रहे थे कि 19 को गणेशपुरी का शिविर दिन हम हर 19 को और एकादशी को उसको याद करके भजन करते हैं सभा करते हैं याद करते हैं और आज उन्होंने पधरामणी करी थी पूनमबेन सिंगल के वहाँ तो वचनामृत पढ़ा तो आज का ही दिन आया 4/12/1819 तो आज भी 7/4 पप्पा जी का चिदाकाश शिविर किया था महाबलेश्वर वो भी स्मृति करते हैं नवंबर महीने में ज्योतिबेन का समैया हम सब ने अटेंड किया नवसारी कल्याण का अंकुट किया
प्रमुख स्वामी महाराज का हमने दीवाई पाटिल स्टेडियम में बड़ा अच्छा पैमाने में महंत स्वामी की हाजिरी में समैया मनाया। मुंबई में मुंबई का एक नजराना हो गया। 30-19-30 को माक्षर सूद चौथ वचनामृत जयंती, तो वचनामृत का अखंड पाठ किया। गडरा प्रथम एक से लेके गडरा लास्ट, जेतलपुर असलाली सब वचनामृत का पठन किया। एक बार महाराज की वाणी का सबको दिव्य लाभ मिले और महाराज को वचनामृत द्विशताब्दी महोत्सव में क्या भेंट दे, क्या उपलक्ष में क्या अर्ध दे, तो अर्ध के स्वरूप में बापू भरत भाई ने नक्की करके कि हम वचनामृत का पारायण करते हैं, तो वो पारायण किया। तो ऐसा ये नवंबर महीना रहा। आज 7 तारीख भजन संध्या का दिन, निलंबन हमने लास्ट टाइम जूना भजन पे कर दी थी, तो भक्तों की फरमाइश आई कि इसका पार्ट 2 भी करो, कंटिन्यू। तो आज भी जो बहनों ने साधना करते करते हुए उसके अंदर से निकला हुआ आवाज प्रार्थना के रूप में जो भजन में आया वो हम सुनेंगे। पहले सबसे शुरुआत उर्मिला बहन को बोलते हैं, एक प्रार्थना से हम भजन संध्या की शुरुआत करेंगे। प्रार्थना। सहजानंद स्वामी महाराज जय। दोष थी हरियो भरियो छो छता
महाराज की जय। जिसको मिलने की प्यास ही प्यास थी वो स्वामीनारायण भगवान 230 साल पहले छपैया में प्रकट हुए, और अभी स्वामीनारायण द्विशताब्दी महोत्सव वर्ताल में हुआ, बहुत बड़े पैमाने में 12 लाख आदमी ने उसका लाभ लिया, संतों ने सब मिलके दर्शन करवाया, जिसकी बात लास्ट टाइम आपको करी थी। इतना महाराज सर्वोपरि अवतार के अवतारी पुरुषोत्तम नारायण आए, फिर भी वो तत्व की उनकी जैसी है वैसी पहचान नहीं हो पाई। साथ में गुणात्यान स्वामी लाए, जब भी महाराज का ही पूर्ण समर्पण पूर्ण स्वीकार नहीं हुआ तो गुणात्यान स्वामी की पहचान कैसे होगी, संत की पहचान कैसे होगी। करोड़ों धन्यवाद शास्त्री जी महाराज को कि इतने बड़े संस्था में इतने बड़े संतों के सामने मुट्ठी भर 5-7 संतों के साथ निकले और भव्याति भव्य आज मैप्स 100 साल में जो प्रोग्रेस किया है वो करोड़ों धन्यवाद हो भगत जी महाराज जागा स्वामी कृष्ण जी दा, जिन्होंने शास्त्री जी महाराज को ये प्रेरणा दी आज्ञा दी कि तुम ये काम करो, और शास्त्री जी महाराज ने गुणात्यान स्वामी की पहचान करवा के अक्सर पुरुषोत्तम हमें भेंट दिए। करोड़ों धन्यवाद हो काका जी और पप्पा जी को, वही शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज आए, वापिस हम थाप खा गए, पहचान नहीं पाते थे। करोड़ों अब जो धन्यवाद हो पप्पा जी को काका जी को, उन्होंने योगी जी महाराज को पहचाना नहीं लेकिन जन सुलभ बनाया। और स्वामीनारायण की जो दुदुभाज सत्संग कराने की स्टाइल तो थी लेकिन जो गुणातीत भाव में जीते हुए संतों का बनाना पृथ्वी के ऊपर उसकी भेंट देनी, उसके लिए एक जबरदस्त प्रचंड कार्य हुआ जो योगी जी महाराज कपोड़वाड़ी में विराजमान कथा करें और तारदे में वो ही कथा पे भजन बने। इतना मिल गए थे योगी जी महाराज के साथ, इतने मिल घुल गए थे, और बहनों भक्तों काका जी पप्पा जी के साथ इतने मिल घुल गए थे कि जो वाणी निकलती थी वो हृदय में जाती थी और हृदय में से आवाज आता था, अंतर दो साध सुनी जावरे हो योगी जी, अंतर दो साध सुनी जाओ, पुकार करता था अंतर। जो महाराज जो साक्षात स्वामीनारायण भगवान, वही आप हो, आप मानव हो लेकिन मानव नहीं हो, साधु हो लेकिन साधु भी नहीं हो, तेरे अंगों अंग में खाली महाराज है, केवल महाराज। कोटि रवि का तेज भी हमारे ईगो को जीव भाव को भस्म नहीं कर सकता है, वो जीव भाव काका जी पप्पा जी योगी जी महाराज के एक चमकारा से एक तणकला से पूरा ब्रह्म भाव जीव में से तुरंत जीव भाव निकाल के ब्रह्म भाव प्रकट कर देता था। ऐसा दर्शन करने के लिए मेरे पास नयन नहीं है, महिमा कहने के लिए शब्द नहीं है, तेरे गुण गाने के पास सुनने के लिए मेरे पास कर्ण नहीं है, और अल्टीमेट फाइनल तू रहे ऐसा मंदिर नहीं है, ऐसा मेरा मंदिर बने, ऐसा बहुत बहुत बहनों ने जो भाव से गाया होगा आज उर्मिला बहन को प्रार्थना है वही भाव से हम सबको सुनाए, अंतरनो साध सुनी जाओ रे हो। सहजानन स्वामी महाराज नीचे अंतर नो साध सुनी जाओ रे ओ योगी जी, अंतर नो साध सुनी जा, अंतर नो साध सुनी जाओ रे ओ योगी जी, अंतर नो साध सुनी
तालियां हमारे सचिन भाई के लिए। आज वो हमको हरोगे नए आर्टिस्ट की भेंट देते हैं। आज वो हमारे साथ निरंजन भाई सिन्हा हमारे भगत साहब का भी गांव झारखंड वहाँ से है, तो आप वहाँ से हो, आपका खूब खूब स्वागत है। निरंजन भाई सिन्हा ने अद्भुत बंसी का वादन हमको सुनाया। प्रशांत भाई तो है ही, और साइड रिदम में हमारा देवेन भाई भी है। सब म्यूजिक मंडली 7 तारीख को बड़े भाव से, बड़े प्रेम से काका जी का भक्ति सुमन अर्पण करते हैं। ये कीर्तन की लास्ट कड़ी आई, तू रहे ते वो मुझ मंदिर न थी। अभी जो मेरा देहयुक्त मंदिर है उसमें तू रहे ऐसा नहीं है, तो वो कैसे हो? उसका भी भजन बहनों ने दिया। मन मारू मयूरे मूर्तिमा साचा दर्शन थया रे आत्मना, प्रत्यक्ष स्वरूप प्रत्यक्ष संत जब भी मिलते हैं उसकी मूर्ति में मन खो जाता है। तो स्वामीनारायण भगवान ने जो वचनामृत द्वि शताब्दी है, तो पहला वचनामृत अखंड वृत्ति नु जो प्रकट मूर्ति है, प्रकट संत की मूर्ति है, प्रकट गुणातीत मूर्ति है, प्रकट महाराज की मूर्ति है, वो चिंतामणि है। और महाराज ने वही वचनामृत में बोला, उससे बड़ी कोई प्राप्ति भी नहीं है, वो चिंतवन से बड़ी कोई प्राप्ति भी नहीं है। ऐसे भाव वाला भजन, मन मारू मयूरे मूर्तिमा, मेरे में दोष है लेकिन आप मिले हैं तो कोई भार नहीं है। और जो योगी जी महाराज, मोहन स्वामी, अभी स्वामी जी बताते हैं, अभाव अवगुण मनुष्य भाव छोड़ के भगवान के भक्तों का गुणगान गाएंगे, मुक्तों में से दोष बुद्धि डाल देंगे तो मूर्ति सिद्ध हो जाएंगी। प्रगट साकार सर्वोपरि आप मिले हो, सर्वकर्ता अंतर्यामी मिले हो, ऐसा महान महात्मा जान के मूर्ति का स्वाद लू, ऐसा भाव वाला भजन मन मारू मयूर है, मुझे मुकेश भाई से प्राप्त। स्वामी महाराज गुरुहरि काका जी महाराज, गुरुहरि पप्पा जी महाराज, सर्व प्रगट ब्रह्म स्वरूप मन मारू मयूर मूर्तिमा साचा दर्शन तयारी आत्मना, हो बान
यश भाई तो आने वाले नहीं थे, लेकिन आज नीलम बेन आए तो उनको लेने आने के लिए बड़ी सेवा करी है। मुकेश भाई आपका खूब खूब धन्यवाद। काका जी और पप्पा जी ने मूर्ति सिद्ध करने के लिए, ब्रह्मरूप होने के लिए एक और सरल मार्ग बनाया। चलो आपसे कुछ नहीं हो सके तो भगवान और भगवान के भक्तों का महिमा तो गा सकते हो ना, हरि अने हरि जन्नो महिमा गा गा गा। बस नेगेटिव में क्यों जाते हो, किसको क्यों डांटते हो, किसको फॉल्ट होकर क्यों उसकी मिथी मारते हो, भगवान के भक्तों का महिमा गाओ, तुमको मूर्ति सिद्ध हो जाएगी। ऐसा भजन बहनों ने बनाया योगी जी महाराज और काका जी पप्पा जी की जो आज्ञा थी कि भक्तों का महिमा गाओ, महिमा में रहो। तो ऐसे भाव वाला भजन, सत्संग की शुरुआत भी महिमा है, पूर्णाहुति महिमा है, बीच में थोड़ी गड़बड़ होती है उसमें महिमा आ जाते हैं, वो हमें कंट्रोल करना है। और मुंझोण भी होवे ना उसमें भी शांति के लिए साधन महिमा ही है। मूर्ति के बिना सुख, मूर्ति का सुख तभी आएगा जब जुना हेवा, जुनी अपने को जो आदत पड़ी है टोकने की वटने की मूर्ति के सिवा बाहर जाने की, वो आदत छोड़ देंगे तो वापिस, पप्पा जी बोलते थे एक मिनट में वापिस आ जाओ, एक मिनट। तो अभाव में गए एक, उसके लिए भी हरि अने हरिजन नो महिमा गा गा गा। आज्ञामा टुक टुक वर्ती ने दिव्य भाव थी खम्मू, जो तुमको सत्पुरुष ने आज्ञा दी है वो लेके दिव्य भाव से, कोई अब तक को फायरिंग देता है, यू टेक इट पॉजिटिवली, नॉट ओनली पॉजिटिवली डिवाइनली पॉजिटिवली, उसमें महाराज ही कर रहा है, वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं है, वो मुक्त मुक्त नहीं है, महाराज है। ऐसा मान के हम खम लेंगे तो भी मूर्ति सिद्ध हो जाएगी, हम ब्रह्मरूप हो जाएंगे। वो टाइम पे सच्चा बुरा छोटा बड़ा उसी गणतरी में पड़े बिना, कोई भी कार्य देखे बिना स्वामी स्वामी होएंगे, दास का दुश्मन हरि कभी होता नहीं है। ऐसा मान के हरि अने हरिजन नो महिमा गा गा गा, जो उर्मिला बेन से प्रार्थना करते हैं। सहजानंद स्वामी महाराज ने जय। हरि अने हरि जन नो महिमा गा गा गा, सुखे सुखे स्थिति करवानो सहलो साधन। Oh,
चुना भजन की अलग हमको याद आती है तो रमेश भाई की याद आती है। 23 नवंबर उनका प्राकट्य दिन था, तारदेव काका जी जब ही धुन कराते और धुन के बाद काका जी ध्यान कराते और ध्यान के बाद रमेश भाई को बोलते दो लिटी बोलो, तभी वो अचूक ओ प्रत्यक्ष आत्म मारा छे दिव्य चरित्र तमारा वो भजन गाते थे। काका जी पप्पा जी ने योगी जी महाराज के, तभी योगी जी महाराज को बाद में काका जी पप्पा जी स्वामी जी साहेब दादा सभी प्रत्यक्ष स्वरूप हमारे, वो हमारे आत्मा है और उसके दिव्य चरित्र गाना है और वो दिव्य स्वरूप कोई सत्य असत्य का बैरोमीटर से मापा नहीं जाता है। और वो जब भी मानव लीला करते हैं तो हमारा मन संशय कर देता है और उसमें से प्रार्थना की हलक उठती है, हे महाराज वो अणगुटली वो जो बिन उकेली गांठ है तू उकेल दे, मेरा दोस्त दिखा के मेरे को आगे ले ले, मैं तुमको दिव्य ना मानूं या ना मानूं उससे तुम्हारी दिव्यता कम नहीं होने वाली है। आप तो आपका आपने जो धारा है, आपने जो प्रोग्राम किया है, आपने जो ब्रह्मरूप का नक्की किया वो करते ही रहने वाला है। आपको जैसे है वैसे निरखने के लिए हमारी आँख हमारे लोचन बदल दो। कोई भक्त का कूदता है तो मेरे तेरे बल से चलता, लेकिन मनुष्य भाव आता है तेरे में वहाँ मैं वापिस नहीं बढ़ सकता हूँ, पाछा नहीं बढ़ सकता हूँ, भजन नहीं कर सकता हूँ। वो मुझे भजन करने के लिए बल दो, डालने के लिए बल दो, अहोहो भाव मेरे के लिए बल दो, ऐसा भजन पूज्य हितेन भाई से प्रार्थना है रमेश भाई की आवाज में सुना। प्रभु मारा प्रभु मारा प्रभु मारा ओ प्रत्यक्ष आत्म मारा छे दिव्य चरित तमारा छे दिव्य चरित्र तमारा ओ प्रत्यक्ष आत्म मारा छे दिव्य चरित्र तमारा छे दिव्य चरित्र तमारा ओ देवा चो देवा
गाते थे कि सब लय और लीन हो जाते थे। ऐसी ही प्रार्थना, ऐसा ही भजन जब भी हम योगी जी महाराज, काका जी, पप्पा जी के पास थे तो अंतर से आवाज उठती थी, कर करीने कहूं छू योगी जी सुन जो मारी आरजी। बहुत अंतर से अपना जो दोष है वो ऐसे नहीं निकलता है, खूब 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 अंतर से धुन करनी पड़ती है, माफी मांगनी पड़ती है। ऐसा भाव वाला भजन है। मैं करगर के आपको बोलता हूँ, हे योगी जी महाराज, हे काका जी, हे पप्पा जी, हे प्रत्यक्ष स्वरूप, मेरे को राख बन के, गरीब गरजू गुलाम बन के, मन आपको दे के आपके पास जीना है। संबंध वाला जूठा ना करे तो दृष्टा वाला कैसे कर सकता है? अनुभव कराने के लिए तो सदाए साथ में रहता है, और अंतर के आनंद के भोगे भी अपने सत्य सुधाया, और दृष्टा वाले जीव में पल पल तेरा आधिपत्य है मनवाया। हम हमेशा ये नया साल का जो अपना मैसेज है, जॉयस फॉरगिवनेस, अंतर दृष्टि, तो उसकी शर्तें गाह्य रखती, गुण ग्राहक दृष्टि, गुण ग्राहक दृष्टि रख के जिए, बाह्य दृष्टि का बारा बंद कर दे। हमारे लिए साधु की दृष्टि, दूसरे के लिए महाराज का संबंध, ऐसा जी के हम अनुवृत्ति प्रगटावे, ऐसी प्रार्थना वाला भजन जो उर्मिला बेन से बोलते हैं, कर गरी ने कहू छू योगी जी। उर्मिला बेन और हितेन भाई ये भजन सुनाएंगे। सजानंद स्वामी महाराज ने जय कर गरी कहू छू योगी जी सुने छो मारी I'm not afraid to die.
संबंध साध सुनी जावरे अंतर से प्रार्थना हो गई कि हे महाराज हे स्वामी हे प्रत्येक स्वरूपो हमें ऐसे जीना है हमें बल दो। ऐसे ही अंतर का साध अंतर का पुकार जब काका जी भजन कराते थे तो दो कड़ी गलाते थे, भूलो करिए जे जे दिव्य बनावे ते भार नहीं भूलो नो तुझने जराए भाग लेनारा तेमा निर्दोष थाय अंतरदृष्टि करी आगळ जाए। जब भी बड़े पुरुष के साथ जीना होता है, नीलम बेनी आए उसको मालूम है पप्पा जी के साथ जीते थे सुबह के शाम तक रात तक कम से कम 15-20-25 प्रसंग बनते होंगे। हर एक प्रसंग में कहाँ दिव्य भाव टूटा कहाँ भूल हो गई वो दिखाते भी हैं, उसका भार भी नहीं लेने देते हैं, निर्दोष बना के आगे ले लेते हैं। भगवान और प्रभु के जोग में आए संकल्प माँ प्रभु निरवता मांगू, मेरा जो भी संकल्प हुए उसमें पहला बैलेंस हो के नीरव, रव मीन्स आवाज, नी मीन्स नो, विदाउट एनी आवाज बन के मेरा भाव मेरी क्रिया सबको तू वापरना, परिणाम स्वरूप सब निष्काम हो जाए और मेरे को मूर्ति का सुख के बिना कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसी मेरी जो वृत्ति है अहम की वृत्ति, पॉसिज्म की वृत्ति, डांट की वृत्ति, उसकी निवृत्ति करके तो अनुवृत्ति प्रकटा। मेरे को कुछ नहीं करना है मूर्ति के सुख लिया बिना, पढ़ पढ़ आपको भूलू नहीं,
आपकी अनुवृत्ति के बिना मेरा पगला न हो, ऐसा भाव वाला भजन जयतेन भाई से प्रार्थना है, सुनाए। काला वाला करो तमने ओ योगी जी प्यारा, विनवो छो स्वामी प्यारा करो तमने काला वाला योगी जी न चरणे करो प्रार्थना। Thank you.
हे योगी जी महाराज, हे काका जी, हे पप्पा जी, हे प्रत्यक्ष धामदाई मुक्तो, आपके चरण कमल में ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना स्वीकारना, अंतर का साध हमारा सुन लेना। जैसे पहले बताया, महाराज आया ब्रह्म और परब्रह्म लेके आए, शास्त्री महाराज ने पहचान कराई और काका जी ने उसमें मुक्त, ऐसे मुक्त जो भगवान को धार के जीते हैं वो भी भगवान के स्वरूप और उनके साथ भी जीव को जोड़ना है। ब्रह्म परब्रह्म प्रगट तेने धारे जे सन तेनो करिए प्रसंग, तो टी जाए जीवनो सगड़ो कुसंग। कल गुणात्यान स्वामी की बात भरत भाई पढ़ते थे तो उसमें आया था कुसंग की बात, तो कुसंग को प्रमुख स्वामी महाराज का भी बर्थडे मनाया, तो द डिवाइन टच ऑफ लॉर्ड, द डिवाइन टच ऑफ गुरु टेक्स अस बियॉन्ड। पांच चीज बताई, व्यसन भी मुक्त हो जाए, हमारा ईगो अहंकार भी टल जाए, हमको नेगेटिव भाव जो होते हैं वो भी टल जाए, हमारे जीवन में से हताशा डिप्रेशन, अभी सब मंदी है ना, धंधा नहीं है, धंधा नहीं है, धंधा नहीं है, वो भी टल जाए। यू स्टार्ट विथ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड विथ एंड इन माइंड। काका जी एक शब्द बोलते थे, प्रारंभेज पूर्णाहुति। आप लोग मैच देखते होंगे, कल देखता होगा, यू हैव अ फर्म डिटर्मिनेशन। विराट कोहली ने पहले 10 बॉल में 7 रन बनाया और लास्ट 10 बॉल में 23 रन बनाया, बिकॉज ही वॉज सीइंग एंड इन माइंड। तो दैट पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा होने वाला ही है, नेगेटिव में क्यों जाते हो, हताशा में। योग अभी ड्रामा में बताया प्रमुख स्वामी ने वहां कि ये पांचों चीज प्रगट संत से यू कैन गो बियॉन्ड दिस। द मोस्ट 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 इमिनेबल फैक्टर इज प्रगट, प्रगट संत। तो इसका बढ़िया भजन है, ब्रह्म परब्रह्म प्रगट, उसको जो धारण कर जीता है, ऐसे संत का संग नहीं प्रसंग करे तो जीव का सगड़ा कुसंग खत्म हो जाता है। हम कैसे भी करके जाने अजाने उसके संग में आ जाते हैं तो हमारा चेतना का चार्ट ड्रॉ हो जाता है, पहले वो हमारे बनते हैं, बाद में उनका बनाते हैं, और परिश्रम भी वही करते हैं, कभी कभी मुंझवन कराते हैं, अकड़ाते हैं, वो भी हमारा मन धैर्या छुड़ाने के लिए करते हैं, और दोष को कबूल करा के प्रेरकपना को मना के मन का अमन करके हमको साकार भगवान में जोड़ देते हैं। और भक्ति रूप क्रिया में जहाँ मूर्ति जाती है, प्रार्थना अंतर का पुकार, आज का जो शब्द है, जहाँ मूर्ति भूलते हैं वहाँ अंतर से पुकार करके भगवान को पुकार करो, यू आर देयर, यू आर देयर, यू आर देयर, यू आर विथ मी, यू आर विथ मी, योर डिवाइन टच, ओ काका जी, ओ पप्पा जी, योर ब्लेसिंग्स आर विथ मी, मी एंड मी, ऐसे भाव से पूज्य उर्मिला बहन को प्रार्थना है। ब्रह्म पर ब्रह्म प्रगट धारे जैसा ये भजन हमको सुनाए। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। ब्रह्म पर ब्रह्म प्रगटिते ने धारे जे संत, ब्रह्म पर ब्रह्म प्रगटिते ने धारे जे संत, तेनो करी प्रसंग तोटड़ी जाए, तोटड़ी जाए जीवनो सघड़ो कुसंग, थाय साचो सत्संग। ब्रह्म पर ब्रह्म प्रगटते ने धारे जे संत, ब्रह्म पर ब्रह्म प्रगटते ने धारे जे संत, तेनो करी प्रसन्न तोड़ी जाए, तोड़ी जाए जीवनो सघड़ो कुसंग, हाय साचो सत्संग।
सच्चा सत्संग हो जाए, ये जीवन जिए ये तरफ से तो सच्चा सत्संग हो जाता है। और करोड़ों धन्यवाद हो महाराज और स्वामी को कि हमें ऐसा अवसर दिया, शास्त्री जी महाराज योगी महाराज को ऐसा अवसर दिया, काका जी पप्पा जी को ऐसा अवसर दिया, और काका जी पप्पा जी ने तो ठेर ठेर टुकड़ा साकरदा विद्यानगर गुणातीत ज्योत लंदन मिशन शिकागो दिल्ली यहाँ अपने को भरत भाई बापू ऐसे संत दे दिए। आज नीलम बेन आए हैं, संतों बहनों ऐसी दे दिया तो ऐसा अवसर वापिस आने वाला ही नहीं है। अब वो अवसर नहीं मरना रहा, वो जोग में नहीं मिला, ऐसे कराने वाले वापिस नहीं मिलेंगे। काका जी बोलते थे ये सोफा पे बैठ के आत्यंतिक मुक्ति ना दाता पाछा नहीं मिले। जिन्हें जे बंद बारणे छूटिए ते बंद न करिए बारणु, जेना आधारे करिए तेने करिए न के दी। आवा मिला तमने आवा मफत या पाछा नहीं मड़े, ऐसा काका जी बोलते थे। मेरे जैसा मफत में आपको भ्रमरूप करने वाला नहीं मिलेगा, ऐसे भाव वाला भजन आवो अवसर नहीं मरनार, आवो जोग नहीं मरनार। जो अभी भी गुणातीत स्वरूप बोलते हैं सम सुरत भाव निर्दोष बुद्धि का मंत्र मनुष्य भाव और दिव्य भाव एक करके देखने का, माइक इंद्रिय में से छूट के योगी का प्रकाश प्रत्यक्ष स्वरूप का प्रकाश बन के जीने का, ये प्रकाश शब्द से ही पप्पा जी ने प्रकाश का वो सबको बेच दिया कि मैं गुणातीत का प्रकाश हूँ, मैं प्रत्यक्ष स्वरूप का प्रकाश हूँ। ऐसे भाव वाला भजन पूछे हितेन भाई से प्रार्थना है, आवो अवसर नहीं मंडा। अवसर नहीं मंडा, आवो जोग नहीं मंडा, क्या वा करावनार परी नहीं मरे, आवा करावनार परी नहीं मरे, आओ अवसर नहीं मरनार, आओ जोग नहीं मरनार, आवा करावनार परी नहीं मरे, आवा करावनार परी नहीं मरे।
काका जी, थैंक यू पप्पा जी, थैंक यू योगी पापा, थैंक यू प्रत्यक्ष स्वरूपो, सब मिलके लास्ट प्रार्थना गाएंगे। इस नेहल सिंधु जिसको आता है सब ज्वाइन हो जाए और प्रशांत भाई को प्रार्थना है। स्नेहल सिंधु दयाळु प्रभु गुरु हरि साक्षात् गुणातीत विभो काका हरि साक्षात् गुणातीत।
सज्जन स्वामी महाराज की जय। सभी को 7 तारीख का जय स्वामी नारायण।
हमारी सबकी भावना काका जी के और सभी वंचस्थ स्वरूपों के चरणों में धरेंगे। सबसे पहले मैं प्रार्थना करता हूँ घनश्याम भाई जी को, वो काका जी को पुष्पहार करने पधारे। पूज्य घनश्याम भाई, अमीन। विमल भाई लाड़ को प्रार्थना है, विमल भाई लाड़ वो बापू को पुष्पहार करने पधारेंगे। विमल भाई लाड़ विमल भाई लाड़ का नजीक के दिनों में बर्थडे है, उनको खास हम शुभकामनाएं देते हैं। हमारे प्यारे जस्मीन भाई पेरिस से आए, शादी किया है अभी अभी, उसको शादी की बहुत बहुत मुबारकबादी। और वो वशी भाई को, भरत भाई को पुष्पार करने आएंगे जस्मीन भाई। योगी न दान का निशान पप्पानी दिव्य लाणी हये आनंद आजे मन मा उमंग आजे श्री जी प्रसन्न आजे भक्तो ना संग मा। वशी भाई को, विशाल भाई बिरादर उनका आज जन्मदिन है। विशाल भाई बिरादर हमारे बहुत ही होनहार युवक है, उनकी सेवा से शताब्दी में जो उन्होंने सेवा की थी अद्भुत, घनश्याम भाई राजी हो गए थे। विशाल भाई को प्रार्थना है, वशी भाई को पुष्पार करने पधारेंगे। निनाद भाई को प्रार्थना है, निनाद भाई का मैरिज एनिवर्सरी है 12 तारीख को, वो राजू भाई को पुष्पहार करने पधारेंगे। विनाद भाई निनाद भाई और श्रद्धा बहन को खास खास मैरिज की खूब खूब एनिवर्सरी की शुभकामनाएं। औरंगाबाद से पधारे हुए हमारे नागेश भाई कुलकर्णी को प्रार्थना है, वो जादव जी भाई को हार देने पधारे नागेश भाई कुलकर्णी। जीवन तो जिया ऐसा अपनों में ही मेहमान, जिसने सही जाना काका तेरे एहसान। पूज्य नीलम बेन हमारे यहाँ पधारे हैं खास, पूज्य जेव बेन को प्रार्थना है, जेव बेन पवई वो पूज्य नीलम बेन को पुष्पाल पधारेंगे। जेव बेन हर 7 तारीख को भजन का सिलेक्शन करते, इतना ही नहीं सभी आर्टिस्टों को तैयार भी कर देते हैं। जेहू बेन को प्रार्थना है, नीलम बेन को खास हार पधारे। चार तारीख को हमारे कुसुम बेन ताई, कुसुम ताई जिनको बोलते हैं कुसुम बेन आहिर,
उनका प्रागट्य दिन था, मंजूबेन राडिया, जिनका आज प्रागट्य दिन है, मंजूबेन राडिया, उनको प्रार्थना है वो कुसुम ताई को मेहनत से जो पाया था कुछ पार देने पधारेगी। सबको खुद को ही छिपाया, रहमानी है रहीमी, रहमानी है रहीमी। मकिन्नरी बेन खास कनाडा से पधारे हैं, उनको भी प्रार्थना है। उनके बेटे का अभी दो दिन पहले ही जन्मदिन था, उनकी बेटे की ओर से किन्नरी बहन लीलू बहन को हार पहनाएंगे। लीलू बहन का अभी 11 तारीख को प्रागट्य दिन है। किन्नरी बहन को खास प्रार्थना है, बता रहे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा जेनी अमृतवाणितो वैरयी साक्षात् महिमारूपे जेनी ब्राह्मीस्थिति अहो लीनकरे सुभव्यक्षरपदे शरणागत निज अल्प जीव सहुनाश्रेयार्थे तत्पर रहे काका स्नेह हलसिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। बोलो सजान स्वामी महाराज नी, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी, प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज की जय, ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज की जय, गुरु हरि काका जी महाराज की जय, गुरु हरि पप्पा जी महाराज की जय, प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरि प्रसाद स्वामी महाराज की, प्रगट ब्रह्म स्वरूप अक्षर विहारी स्वामी महाराज की, संत भगवंत साहेब जी महाराज की, सभी गुणातीत स्वरूपों की जय जय, आज के आनंद की जय जय। काका जी का 7 तारीख स्मृति दिन, हम सब हर 7 तारीख को इकट्ठे होते हैं, काका जी के चरणों में अपना भाव अर्पण करते हैं, भजन संध्या के रूप में सब मिल के आज भी सब 7 तारीख के लिए कुछ न कुछ रसोई की सेवा में या तो दूसरी कोई भी सेवा में सब जुड़ते हैं। ऐसे आज भी हमारे रसोई में बाला कृष्णन साहेब और भगत साहब ने पार्टिसिपेट किए हैं, उनको धन्यवाद है। किसी की भी तबीयत वगैरह तकलीफें कोई मानता रख के भी आते हैं, वो सब के लिए धुन करते हैं, 2 मिनट सब मिल के धुन करें। स्वामी नारायण नम 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 नारायण स्वामी नारायण नम 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 नारायण नम
सहजान स्वामी महाराज काका जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, जभी जभी भजनों सुनते हैं, इतने साधना काल के बहनों के साधना समय के ये सब भजन अंदर में एक अलग ही प्रेरणा देते हैं। और काका है अमर रहो, वो भजन तो एकदम काका जी की स्मृति में, सभी गुणातीत स्वरूपों की स्मृति में हमें लय और लीन कर देते। ऐसी ये भजन संध्या में हम बैठे हैं। काका जी ने कई बार बहुत सारी बातें बताई है, उसमें आज सुबह में पढ़ रहे थे तो काका जी बोल रहे थे कि आप हमेशा मेरे को फोन करते हो, मैं अभी आपको ऐसी टेक्निक सिखा रहा हूँ कि आप डायरेक्ट भगवान को फोन करो और डायरेक्ट आपका फोन वहाँ लगे। और बाद में ऐसा ही प्रसंग हुआ, काका जी स्वधाम गए, बाद में उनको प्रसंग आया तो उसने वो काका जी को याद करके वो बात याद आई और स्वामीनारायण 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 की धुन करी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया एकदम मिरेकल। तो ऐसे काका जी ने बहुत सारी टेक्निक दी है। आज सुबह में काका जी का वो जो क्लिप निकले थे उसमें से एक ये पढ़ रहा था, बहुत अच्छी बात काका जी ने बताई है, वो आज के दिन के लिए आप अपने साथ लेके जाना, बहुत अच्छी बात है। काका जी बोलते हैं बहुत अच्छी तरह से, उसने तीन बार बताया एक ही बात, और वो बता रहे हैं कि हम कहाँ चुपते हैं, हम बोलते तो है मगर वो करने में हम कहाँ कहाँ चुपते हैं वो बताते हैं। बात एवी छे, हमें स्वामी जी जोगी बापा जेवा पुरुष, एटला ओलिया पुरुष शास्त्री महाराज ने योगी महाराज, हमने भी याद नहीं कि हमारा थी केवी रीते हमनी आज्ञा पाड़ी सकी हसे, पण एक जग्याए हमें हमारी बुद्धि मुकी दीधी। पहली बात, मैं आपका हूँ, मैं शास्त्री महाराज का हूँ, मैं योगी जी महाराज का हूँ, तो कुछ मालूम नहीं है, वहाँ अपनी बुद्धि छोड़ दी। काका जी पप्पा जी कितने इंटेलिजेंट कितने विचक्षण, तो भी योगी जी महाराज के पास शास्त्री महाराज के पास बुद्धि छोड़ दी। पहला जोया करियो एटलू जरूर मानता था कि आपनु अहित नहीं करे, ब्रसेल्स ना ए एयरपोर्ट एरोप्लेन एक्सीडेंट वक्ते में कहीं हमने संभायरा नोता, पण मारी कॉन्शियसनेस माइंड नहीं, खाली स्मृति नहीं, खाली भजन नहीं, पण हूँ कोनो, हूँ शास्त्री जी महाराज। तो ये जो मुद्दा है कि मैं किसका हूँ, मैं किसका हूँ, मैं शास्त्री जी महाराज का, मैं योगी जी महाराज का, ये नाम रूप आकार मैं किसका हूँ, हरिप्रसाद स्वामी जी का, ने त्यां तरत तमारी कसोटी थसे, तेज पड़े तेज पड़े। अमारा बने विना अमे पैसा लेवा गयेला, बापा कहे ए शू अमारा माटे लावो, वेपार माटे नहीं, धन धाम लोया त्रीजू ते घड़िए सिद्ध करावेलू, અને મુક્તો બી આડે આવશે કસોટી માટે, એ અમારો વિરોધ કરે છે, તમારી ટીકા ચર્ચા કરે છે, તમને જે અંતર્દૃષ્ટિ કરાવે છે એ તમારી નિષ્ઠા પરિપક્વ કરાવવા, આજુ બાજુ અમે જો મુક્તો ટીકા ચર્ચા કરતે હે
वो सब हमेरी कसौटी है, ऐसा मानेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वहां ही अटवाया करेंगे। भाई ये फलाना मेरे को ये बोलता है, फलाना ये कहते हैं, इससे ऐसा है, प्रेजुडिस है, ऐसा है, वो सब छोड़ो। वो काका जी बताते हैं, तमने जे अंतर्दृष्टि करावे ये तमारी निष्ठा परिपक्व करावा, तमने सर्वोपरिपणामां आगळ लई जवा माटे, तमे क्यां खरेखर पाका जो, जो तमे प्रभुना जो, तो पहलू सूत्र गुजरातीमां मारू आ छे तमने, के तमे जेने मानता हो एने टोटली मानो छो, व्यक्तिभाव जीवभाव मन चित्ती चित्त बुद्धि अहंकार आड़े आवता हशे, हम आपका है, हम आपके है, हम आपके है, ऐसा बोलना इजी है, मगर काका जी वहाँ एक बताते हैं कि वहाँ हमारा मन बुद्धि ची अहंकार वो सब बीच में आता है, वो हमें वो मानने नहीं देते, हम बोलते हैं आपके है, मगर बुद्धि आती है, चित्त आता है, अहंकार आता है, वहाँ नहीं। आज दोपहर शाम को वचनामृत पढ़ रहे थे, मध्य का 28, उसमें बोलते हैं निश्चय है परिपक्व तो भी कसर है, निश्चय में अनिश्चय हो जाता है, वो क्यों आता है, निश्चय तो पक्का है तो भी क्यों उसमें वो आता है, विघ्न आता है, हर्डल्स आते हैं। महाराज ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, वो और ऐसा हर्डल्स ना आए, बोलते निश्चय किया ने तभी ही कुछ प्रॉब्लम आया था, कोई बुद्धि से किया था, कोई मान के लिए किया था, कोई मनगमती चीज लेने के लिए किया था, ऐसा निश्चय किया था। तो गांडा घेला स्वामी तुम्हारा चाहिए, जो आ एक पाकू हसे फर्स्ट स्टेप इन राइट, तमारू पहलू पगलू पहलो प्रारंभ जो बराबर हसे इन राइट डिरेक्शन, बधा एक्शन राइट डिरेक्शन में चालसे, अने एमा कोई बीजी गड़मथल हसे तो ए भी मोटो स्वभाव सिद्ध थई जसे, मूर्ति पण सिद्ध थई जसे, ने बे ही लड़से चेक सुधी। एटले खरेखर प्रमाणिक बनो, त्रण देह त्रण अवस्था, फकीर भाई कह्यु ए तमाराथी नहीं बने, बहु अघरू छे, ए अमारा लोकोए करवानुं छे, तमारे माटे सेलो उपाय, हमेरे लिए सबसे इजीएस्ट उपाय काका जी बताते, ब्रह्मरूप होने के लिए जैसे आज भजनों में भी बहुत इजी उपाय बताया, गुणगान गाया करो, गा 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 हरि और हरिजन का महिमा गा गा गा, ऐसे ही ये उपाय एकदम इजी है, प्रभु गांडो घेलो बधुज भरपूर छे, एक के वृत्ति नु ठेकाणु नथी, पण स्वामी हूँ तमारो, त्या स्वामी हसे, ओ आटलू बधु परम सत्य तमे बोल्या, बोलशो ज, मारा बैरानो छोकरानो वृत्तिनो पैसानो, हमणा 1,00,000 रुपया आपे, वो टाइम की बात कर रहे काका जी, 1,00,000 रुपया मिले तो कैसे, स्वामी हमणा जरा सुई जाओ, हूँ 15 दिवस आनंद करी आऊ, 15 दाड़ा पछी आवशु, तमे पछी साधु बनावजो, अने आपणे त्याना त्या नथी जोयू एटले आ पंचायत छे, मळे करे तो एमां अहींया निरुत्था निश्चय, पप्पाजी हूँ तमारो, टोटल कोना थईने जीवो छो, तमारू मध्यबिंदु शू छे, तमारू आत्मबिंदु जे कंई हशे एनी जोड़े मारे बिलकुल लेवा देवा नथी, ए टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा सामान्य ज्ञान अक्षर विहार ए कह्युं, ए तमारू मूळ अज्ञान नहीं टाळे, ए तो सौ कोई करता एवा छे, महाराज वक्ते गांडलानी डोसी पण परचा आपती, ये परचा ऊपर भगवान पण सिद्ध नहीं थाय, आपणे ए नथी करवू, रियली प्रभुना सम्राटना राजपुत्र सौ छो ए मानीने जीववू छे। तो आज हम ऐसी प्रार्थना करते है, काकाजी ने बार बार कहा है, ऐसा हमें निश्चय करना है, दृढ़ाव करना है, हे प्रभु मैं आपका हूँ, मैं मेरे मन का नहीं हूँ, बुद्धि का नहीं हूँ, स्वभाव का नहीं हूँ, प्रकृति का नहीं हूँ, पहले आपका हूं, और इसी तरह से हम प्रभु के चरण में झुकेंगे, प्रभु के शरण में अर्पण हो जाएंगे अपने आप को, तो सच्चे अर्थ में काका जी ने जो बताया इजीएस्ट वे है, और ऐसा
मार्ग पे हम हमेशा चलते रहे तो ये पुरुषों का दाखड़ा इतना है, उनका भजन हमारे लिए इतना है कि वो हमें पार करेंगे करेंगे और करेंगे ही। हमारी जो मर्जी होगी, जो बनना है, जो करना है, वो सब मिलेगा। मगर पहले काका जी हमेशा बोलते थे, पहले पहुंच जाओ, पहले ये सिद्ध कर लो। तो हे काका जी, आज आपके स्मृति दिन के ऊपर सभी गुणातीत स्वरूपों के चरणों में प्रार्थना करते हैं। अभी बहुत सारे महोत्सव आने वाले हैं, स्वामी जी का आत्मीय महोत्सव, अभी हम सभी बहन का और ज्योति बहन का महोत्सव मना के आए, और अभी ये स्वामी जी का आत्मीय महोत्सव है, बाद में साहेब जी का जो मोगरी में अक्षर पुरुषोत्तम महाराज का नया मंदिर बना, वो मंदिर का मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव भी 7, 8, 9, 10 जनवरी में है। उसमें से जो भी दिन आप आ सके वो दिन आ सकते हैं। उसमें 10th को मेन फंक्शन है, 10th को प्रतिष्ठा है, वो दिन आएंगे तो अच्छा है, क्योंकि चारों दिन वर्किंग है, इसलिए कुछ भी करके देखना। और जो भी है आज से जल्दी आज नाम लिखा है तो कल मत करना, मगर इधर हमारे गिरीश भाई को या हेमंत भाई को लिखवा देना, ताकि वहाँ व्यवस्था करने में सबको इजी रहे। और स्वामी जी का भी फंक्शन 2, 3, 4, 5 वो 4 दिन है, उसमें भी हमें सबको जाना है। जो भी उसमें भी जाना चाहते हैं वो भी लिखा दे। बहुत बार उसका अनाउंसमेंट हो गया है, इसके ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करता हूँ। बाद में 1st, 2nd और 3rd फरवरी को यहाँ एक फंक्शन रखा है, इसमें दिनकर भाई का और बापू का 75th बर्थडे हम मनाने वाले हैं, वचनामृत का 2nd शताब्दी महोत्सव मनाने वाले हैं, और काका जी की 3rd फरवरी साक्षात्कार दिन भी वो 3 दिन में हम मनाने वाले हैं, भरत भाई का बर्थडे, और 3rd दिन 3rd फरवरी को सुबह में ये मंदिर का पाठोत्सव विधि भी हम करेंगे। तो ये सब प्रोग्राम है, उसमें सबको पार्टिसिपेट करना है। ये 1st, 2nd, 3rd का प्रोग्राम पर्टिकुलरली हमारे बॉम्बे के लिए स्पेशल है। बाहर गांव से तो सब आएंगे ही आशीर्वाद देने के लिए, मगर बॉम्बे वाले सब कोई आए, ऐसी सबको प्रार्थना है। सहजान स्वामी महाराज की जय। सब आए और सबको दूसरे को भी बताए, यही प्रार्थना। सद्गुणशालिनं चिदचिदेव्याप्तं च देव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावतारादिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदादिकीर्त्यं विभो तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा वाणी अमृतते भरी मधुसमी संजीवनी लोकमां दृष्टि मा परिदीव्यता निरकता सुदीव्य भक्तो बदा अये हेत भर्यो मिठो जननी सोने हास्य मुखे वस्यो ते श्री ज्ञान जी योगिराज गुरुने नित्ये नमो भावसु जेनी अमृतवाणी तो वैरही साक्षात महिमा रूपे जेनी ब्रह्म स्थिति अहोलिन करे शुभ व्यय अक्षर पदे शरणागत रिज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे जेनी वाणी विषय अखंड वहती सूरावली ब्रह्मनी किंतु थई अज्ञात अल्प सबिपे रसमसौमावली जीवे जे अलमस्त स्वामी सृजिबा छे मोक्षदाता वली पप्पा जोगी स्वरूप विभु चरणे जुकी रहूं भावती दीक्षा अर्पी अहो गुणातीत सभी जेने गुरु जोगिए
काका ने वरिया पदी विद्वयनु अद्वैतनो खूजचे वेदे साक्षी अनंतना स्वरूपया शास्त्री महाराजनु एवा स्वामी हरि प्रसाद जी चरणे वंदन सदा हूं करूं शोभो साधु गुणे सदा सरणने जगते अनासक्त छो शास्त्री जी वड़ी योगी जी उभयनी कृपा तनु पात्र छो दारी धर्म दुरा समुद्र सरका गंभीर ज्ञाने जचो नारायण स्वरूप गुरु ने स्नेह ज वंदन करूं ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतां गगन सदृशं तत्त्वमाध्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु वै नमामि योगिराजं नमामि काकाजी पप्पाजी तं नमामि स्वामीजी तं नमामि सजान स्वामी महाराज निजे अक्षर पुरुषोत्तम महाराज निजे मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम महाराज निजे प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो निजे जे जे आज के आनंद की जाने वाले भक्त मंडल की जय 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 आज हम बैठे हैं ये ब्रह्म विद्या की कॉलेज का क्लास है दुनिया भर में सत्संग होता है लेकिन ऐसे गुणातीत संत मिले उसकी निश्रा में सत्संग मिलना ऐसे प्रभु रूप संत मिलना वो इससे ज्यादा जन्म में बड़ी कोई सिद्धि है ही नहीं और गुरु ऐसे होते हैं सच्चे गुरु कि तेरी साधन भी मैं बनूंगा तेरी साधना भी मैं करूंगा और साध्य भी मैं रहूंगा क्या है? तो ऐसी ब्रह्म विद्या की कॉलेज में हमको एंट्री मिल गई आज हम देखते थे जो काका जी की और योगी बापा की इतनी सारी स्मृति कराई बस आनंद आ गया एक महीने जब भगवान के पास काका जी के पास हम गए थे काका जी बापा मुझे हमेशा बोलते तू साधु बोल को साधु तईस पहली बार मिला तब से शुरू किया जितनी बार मिला इतनी बार योगी बापा सिंस 1960 एक ही बोलते थे को साधु तईस और मैं हमेशा ना बोलता था क्या दिल में नहीं था कि बेवा मारी प्रकृति नहीं सो अने बापा हा कैसे है पर बापा ने हा हा करतो तो इतला माटे कि मने बापा नी अंगत सेवा मळे पछी एक वक्त योगी बापा ने कहू के बापा उन बापा ने नवरावा गयो तो पछी बापा नाई ने पछी के बापा खानगी करवी छे आ बोचासण दी वात छे दिस हैपन इन 1965 मैं बापा ने कहू बापा तमे मने हमेशा साधु थवानु कहो छो
પણ મારા સાધુ જેવા સ્વભાવ નથી. હું ડબલ રોલમાં કામ કરું છું. હું મંદિરમાં હોઉં છું ત્યારે જુદો છું, કોલેજમાં હોઉં છું ત્યારે જુદો હોઉં છું, સોશિયલ સર્કલમાં હોઉં છું ત્યારે જુદો હોઉં છું. અને બાપા બાપા સાથે જેની સાથે મારે આપવું હોય એની સાથે હું બહુ ખુલ્લા દિલથી બાપ દીકરાની જેમ વાત કરતો. તે બાપા જો તમે મને સાધુ બનાવશો મને વાંધો નથી, પણ મને સાધુ બનાવશો તમે તમારા બે સાધુને હું લઈ જઈશ એવો છું. કેવું તોફાની. પણ જે પુરુષ ચેતનાથી ચેતનાને જોતા એ શું કહે? હા ગુરુ અમને ખબર છે, પણ એ બધું નીકળી જાય ને એટલા માટે કહું છું સાધુ થો. પણ એને એની અકડી ફક છોડી નહીં એવું. અને પછી ધીરે ધીરે સત્સંગ કરતા હતા, એમાંથી એક દિવસ કીધું મને માન સ્વામી સાથે અપાર પ્રીતિ હતી, અપાર અપાર. અને માન સ્વામી ના ખૂબ આશીર્વાદ મેળવેલા. માન સ્વામીએ બાપાને સૌથી પહેલા અહીંયા આ જમીન પર અહીંયા બાજુમાં 1962માં પારાયણ કરી હતી ત્યારે મળેલો. ત્યારે મારી ઇન્ટર સાયન્સની એક્ઝામ હતી અને હું આશીર્વાદ લેવા આવ્યો હતો. બધા પગ દાબતા હતા, હું તો નવો નવો હતો, બહુ એટલું બધું કંઈ તો બાપાના પગ દાબવા બેસી ગયો. કેવું બીજા છોકરા દાબતા હતા તે વખતે જયંતિભાઈ સોની કરીને હતા, એ અમારા કાંદીવલીના, એને ઓળખું એટલે મેં કીધું ચાલો. એ કે બાપાના પગ દાબવામાં મને ઈશારો કરે તો મેં દાબવા માંડ્યો. બાપાએ બપોરિયું વચનામૃત કઢાવ્યું. બપોરિયું વચનામૃત એટલે નાનું વચનામૃત. પછી મારો હાથ પકડીને ઊભા થયા શો, અને એક નાના પલંગની અંદર મચ્છરદાની બાંધીને બાપાનું ગાદલું અહીંયા અહીંયા અહીંના આપણે શું ઘરમાં હતો, આપણે ચિત્રંજનના ઘરમાં અહીંયા બંગલો હતો આની બાજુમાં જ અત્યારે શું, ત્યાં હું બાપાને લઈ ગયો. ના પેલા આપણે પેટ્રોલ પંપની પાછળ હતો ત્યાં હતો, પેટ્રોલ પંપની પાછળ ઘર હતું. શું શું કહેવાય? દુર્ગા નિવાસ. યસ, દુર્ગા નિવાસમાં ત્યાં લઈ ગયો. કાંતિભાઈ દેસાઈ મને મારી એક સિસ્ટરના એન્ગેજમેન્ટ હતા ખારમાં, ત્યાંથી મને કે હું બાપા પાસે જાઉં છું, આવું છે ગાડી લઈને આવ્યો છું, એટલે હું ગયો એમની સાથે આવ્યો કે ચલો ધબ્બો મારશે તો આપણને આશીર્વાદ મળી જશે. બાપા પાસે ગયો, બાપા મારો હાથ પકડીને ઊભા થયા આરામમાં જવા માટે. લઈ ગયો, મને મોકો મળ્યો કે હું બાપાને કહું બાપા મારી એક્ઝામ આવે છે શું, અને મારો ફર્સ્ટ ક્લાસ આવે તો મને એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન મળે શું, તો તમે મને આશીર્વાદ આપો. હજી હું બોલું, હે શું કીધું? સાધુ થવું છે? હો 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 હો, કો સાધુ થઈશ, સાધુ થઈશ. તમને બનાવવા છે, મહાન સ્વામી જેવા બનાવવા છે. હવે તે વખતે તો મહાન સ્વામીને બી એટલું ઓળખતો નહીં, પણ એ પુરુષને આટલું બધું દિલ ખોલીને વાત કરી આ પછી કે આઈ એમ ધી નટોરિયસ સ્ટુડન્ટ, કેવું તો પણ કેટલા પ્રેમથી એને કેટલી એનામાં જીગર છે. કાકાજીની પાસે આવ્યા હતા, મેં કીધું કાકાજી સર્વોપરીને શરતમાં હોય, શું સર્વોપરીને શરતમાં હોય, તમે કહો છો ને સ્વામિનારાયણ સર્વોપરી, સર્વોપરીને શરતમાં હોય, મારી શરતે હું ભગવાન ભજીશ, તમે મને ભજાવી શકશો? બાકી બાપાએ મને સવારના પૂજામાં જતો હતો શું, અને પૂજામાંથી બીજા યુવકો જાય સાધુ થવાના હોય, હું કોલેજમાંથી ગુટલી મારી અને ઘરે ખબર ના પડે ચોપડા લઈને નીકળું, પણ કોલેજમાં જવાની બદલે બાપાની પૂજામાં જતો સવારના 5:30 વાગે. મંગળ પ્રવચન સાંભળવા જતો.
બાપા અને ત્યાં બહુ એક્ટિવ હતો દાદર મંદિરમાં, એટલે બધા ઓળખે. પણ બાપા એ પેલા યુવકોને બધા જાય, કાકાજી પપ્પાજી અને બાની વાતો સાંભળવા મોકલે. જ્યારે નાઈ ધોઈને આવીને નાસ્તા કરે બધા યુવક જાઓ, એટલે મને બી એક વખત હું બેઠો હતો કે આ બધા યુવકો જાય છે, તો મને કે ગુરુ અહીંયા આવો, કીડીને કણ અને હાથીને મણ. શું હા? કીડીને જાઓ તમે દાદુ કાકાની વાત સાંભળજો, જાઓ તમે બી જાઓ. હા, એ રીતે. અને કાકાજીની પપ્પાજીની પછી હર્ષદભાઈ હે એ બધાનું જ્યારે વ્યક્તિત્વ ઊભા હોય ને જોઉં ને હે તો મને બહુ ગમે, આમ જાજરમાન વ્યક્તિત્વ લાગે, આમ ધોરણ શું મુસદ્દી પુરુષ ઊભા હોય એવા લાગે. હા, અને એની છટા બી એક જુદી લાગે. કાકાજીની અદા ગમી ગઈ હતી શું, એટલે મારા મનમાં એવું હતું કે મારે એક વખત આ દાદુભાઈ કોણ છે આપણી પર્સનલ ઓળખાણ કરવી છે. મને ભાઈ સ્વામી લઈ ગયા હતા શું, અને કાકાજી કે હા જા સર્વોપરીને શરતના હોય. અને પછી કાકાજીએ એવું જ્ઞાન આપ્યું, એવું જ્ઞાન આપ્યું, એટલી બધી કથા કરી, એમાં વિમુખ થયા. હા, ત્યારે પોટલા બી કાંતિ કાકાની ગાડીમાં અમે મૂક્યા હતા, કેવા સંતો સાથે અહીંયા આવ્યા હતા. મારું એન્જિનિયરિંગ પૂરું થયું 65માં, અને આપણે આ બધી સેવા મળી સંતોની વિમુખ થયાની, એમાં બાના ખૂબ આશીર્વાદ મળી ગયા. અને બા મને હંમેશા આપણે જ્ઞાન સ્વરૂપ સ્વામી ની ખબર કાઢવા મને દાદર મોકલે, હું કાઢી આવું શું, અને બા પાસે બેસું, બા પાસે જાઉં એટલે મને ચેવડો આપણે ના સેવ અને મગજનું ચકતું ખવડાવે. હા, અરે એ મને બહુ ગમે. કેવું શું, એમ કરતા કરતા બા પાસે કોઈ હરિભક્તો આવે રોતો રોતો, તો કે આ જો રોયા, આ બધા સંસાર માંડીને રોવે છે, તું શું આ હવે તું સાદું થઈ જા ને. હે બા મને એવી રીતે શબ્દ નાખે. કેવું, પછી એમ કરતા કરતા અંદરમાંથી એવું જગત ખેરવી નાખ્યું કે હું ધારીશ એ કરીશ. હા, પણ જ્યાં સુધી મેં મારા સ્વભાવ અને પ્રકૃતિથી પર નહીં ગયો ત્યાં સુધી કોઈ સાધના, ત્યાં સુધી ઉપરથી સુખી થઈશ પણ અંદરથી સુખી નહીં હોઉં. એ એટલું બધું કાકાજીનું ઘેલું લગાડી દીધેલું. કાકાજીએ મને ત્રણ ચાર છોકરીઓ બી બતાવી. કેવી શું, પછી એક હું ત્યાં ધારદેવમાં વાસણ બાંધતો હો, કેવું કપડાં બાંધતો હો, ઝાડું મારતો હો, તે પેલી છોકરી કે છોકરો સારો છે ભણેલો છે પણ સ્માર્ટ નથી. એટલે પછી કાકા મને કે સ્માર્ટ નથી, આ સ્માર્ટનો દાદો છે પણ એની સ્માર્ટનેસ બધી હમણાં દાદુ કાકાએ ખેંચી લીધેલી છે. શું, પછી મારી તારીખ આવી. શું, મેં તો કાકા તમે આ મારે વિભ્રાંત દશાને જે યસ ઓર નો કરો, નહીં તો હું મારી રીતે શોધી લઉં છું, મેં તમારા ઉપર છોડ્યું છે. તો કે આપણી માક્ષર શોધ પાંચમ પાક્કી, એટલામાં બા આવ્યા ને બા ઉપર આવ્યા. બાએ ઉપર આ વાત સાંભળી, મને કે ના છોકરાને તું પોષી પૂનમ સુધીને જ પરણાવવાનો, એમ કરી કાકા છટકી ગયા. હા, અને બા આજે મને એમ લાગે છે આપણે કોઈ વ્યક્તિની પાસે કોઈ આશા રાખીએ, હે કોઈ કેરેક્ટરની આશા રાખીએ, હું એમ કહું તો મને ખબર છે કે અમે જેટલા સાધકો અહીંયા આવ્યા વન વે ઓર ધી અધર, જો દુનિયાની સાત્વિકતાની દ્રષ્ટિએ તો ચારિત્રહીન હતા. કેવા, પણ દે ડોન્ટ કન્સિડર, દે લુક એવરીબડી વિથ ધ આઈઝ ઓફ ઇનોસન્સ, દે નો વોટ ડુ યુ વોન્ટ ઇન યોર કોન્શિયસ માઇન્ડ. અને મારી કોન્શિયસ માઇન્ડમાં એટલું જ હતું કે
કે મારે પ્રભુ જોઈએ છે પણ મારી તાકાત નથી, આઈ કેન નોટ સર્વાઈવ. કેવું? આ ભગવું પહેરવું, આમ આ કરવું, આ ઉપવાસ કરવા, ઇટ ઇઝ આઉટ ઓફ માય ડિક્શનરી બધું. કેવું? એટલે મેં ના પાડી દીધેલી બાપાને. હા, પણ શું થયું? હે, આ બધા પુરુષો એક છે. હે, પછી મેં કીધું કે કાકા શું કરવાનું છે? તો કે તને બાએ ના પાડીને તને બા સાથે હે તેમ કરી છટકી ગયા. પછી પોષી પૂનમમાં ગયો. હે, પછી પપ્પાને પૂછ્યું કે પપ્પા આનું શું કરવાનું છે? પપ્પા બાપુ, ઓહો, એ તો એકાંતિક, એ તો એકાંતિક આપકો. એમ કેવું? કાકા એક કોડવર્ડ હતો. કેવું? એકાંતિક. એટલે કે એકાંતિક ધર્મ સિદ્ધ કરવાનો છે, બીજું બધું કાંઈ નથી કરવાનું. પછી એમાંથી ત્યારે સભા ક્યાં થતી હતી આપણી? રામકૃષ્ણ મિશનમાં. ત્યાં બે જાજરૂ હતા. કાકા બાથરૂમ ગયા હતા, હું એના સેવક તરીકે રૂમાલ ને પેલું એ લઈને ગયો. ત્યાં બહાર નીકળ્યા તો ત્યાં કઈ કોન્સ્ટન્ટ નળ નહોતા આવતા, પીપળું ભરેલું, એ પાણીના પીપળામાંથી પાણી હાથમાં આપ્યું. કયા? સંડાસના પીપળામાંથી. અને વર્તમાન ધરાવ્યા. આપણે એમ માનો આપણે માટે એક વર્ષ છોકરી જન્મી નથી. કેવું? હા, પરણવું હોય તો ગમે ત્યારે પરણાય. કેવું? હા, જાઓ, તમને એક એક સાલ પ્રોબેશન. હા, પણ અત્યારે વ્રત લઈ લો, પછી તમને એવું હશે તો આપણે શોધી કાઢીશું, તમને હેન્ડસમ છોકરી પરણાવીશું. કે શું? એટલે ત્યારના હરિભક્તો મારી બહુ મજાક કરે, એ છોકરી આ લંડન રિટર્ન માણસ છે એને ખબર પડે. છોકરીને બ્યુટીફુલ કહેવાય, હેન્ડસમ ન કહેવાય, અક્કલ આ તને લાંબુ દોરડું આપે છે, સમજી જાને. પણ કાકાએ એટલે આજે એક સરસ વાત કરો, એક નાગાર્જુન પાસે. એ એટલા સરળ હતા, સરળ હતા, એની સિમ્પલિસિટી વોઝ ધ બેસ્ટ બ્યુટી. એને જોઈને એ જે ગામમાં ગયા હતા એની રાણી ખુશ હતી. હા, એને એના હાથમાં એવું જૂનું પત્તર જોયું. હા, ભિક્ષાપત્ર. એણે પોતે રત્ન જડીને એક પાત્ર બનાવ્યું અને એમને એમના ઘરે બોલાવ્યા. એ ગયા. શું ગયા? એમ કે તમારું પત્ર, તમને આ ન શોભે, શું મને આ આપો? હા, હું આ હંમેશા પત્ર રાખીશ, તમને યાદ કરીશ, તમે આ લઈ જાઓ. હવે એ તો સાદા હતા, હા બી નહીં ના, એનો વિરક્ત ભાવ હતો. આપણે આપણે સાધુતાની આપણે ડેફિનેશન જુદી છે. કેવું? એ કોન્શિયસલી સાધુ હતા. એને લઈ લીધું, આગળ ગયા. રસ્તામાં જતા હતા, એક ચોર મળી ગયો. એણે જોયું કે આ પાત્ર બહુ સુંદર છે, આમાં હીરા છે, આ તો પડાવી જ લેવું પડે. અને એ નામી ચોર હતો. ત્રણ વાર ચોર આપણે રાજાનો ખજાનો લૂંટ્યા પછી પણ એ પકડાયો નતો રંગે હાથ. હા, કેટલો સ્માર્ટ હશે. પછી એ એક જીર્ણ મંદિરમાં ગામને છેડે હતો, એ ત્યાં રહેતા હતા. ચોર પાછો પાછળ આવે એ બી એને ખબર કે આ પત્થર તો કોઈ બી એમાં સુઈ જાય એટલે લઈ જ લેવું છે. શું? પણ જેવા એ ગયા એવું એને પત્થર ફેંકી દીધું. કેવું? બાર. એટલે ચોર વિચાર નજર કરતો હતો કે અરે કેવું કેવી રીતે જવું અંદર. આમ એ પેલા એને એનો સંકલ્પ જાણે પકડે ને આપણે આપણી ભાષામાં ફેંક્યું કે પેલો લઈ લે. પણ એને નવાઈ લાગી કે આ કોઈ વ્યક્તિ સાવ જુદી છે. પત્થર લેવાની બદલે આવી વસ્તુ સામેથી ફેંકી દે. પછી એની પાસે આવ્યો કે લોકો આને માટે ઝંખ ના કરે, એની બદલે આ વસ્તુ તમે એકદમ ફેંકી દીધી. તો કે મને ખબર છે તારે આ પત્થર જોઈએ છે, તું મારી પાછળ આવે છે, તું લઈ જા. તો કે આ વાત બી નવી લાગી. પછી કે તમને ખબર છે હું કોણ છું? હું આ ગામનો આપણે નામી ચોર છું. મેં ખજાનો લૂંટ્યો છે પણ હજી સુધી પકડાયો નથી. એને આપી દીધું, પત્થર આપી દીધું, લઈ ગયો. પણ પછી એના પગને છૂયો. કેવું? કે
અંદર થી એને પૂજ્ય ભાવ ઉભો થયો કે ધન્ય કે પછી કે તમે મને કહો તો કે તો આવજે બીજી વાર શું એ લઈ ગયો તો કે શું કરે ચોરનો ધંધો કરું છું કે તમે મને સાધુ બનાવશો સાધુ બનાવીશ તો કે કેવી રીતે સાધુ બનાવશો લોકો મને જાણે છે પછી હું શું કરું ઇટ ઇઝ અપ ટુ યુ તારે શું કરવું હોય શું એને નવાઈ લાગી કે અત્યાર સુધી હું ચોર છું એવું કયા પછી કોઈ મને સાધુ બનાવે નહીં અને આમણે મને સાધુ બનાવ્યો કેવું હા પાડી પછી કે હવે સાધુ બને હવે મારો ધંધો શું કરવો છે તો કે તારે જે કરવું હોય કર એને સાધુ બનાવ્યો સાધુ મતલબ કે એને શિક્ષા શિષ્ય તરીકે ગ્રહણ કર્યો એમ અને પછી કે તારે ધંધો જે કરવો હોય કે હું ચોરીનો ધંધો મૂકી દઉં તો કે ઇટ ઇઝ અપ ટુ યુ પણ પછી એને બીજી વાર ગયો પણ એને એ જ વિચાર આવે આ વ્યક્તિ કેવા આ વ્યક્તિ એનું જ આકર્ષણ એનો જ વિચાર ફરી પાછો એની પાસે ગયો અને પછી એને કહ્યું કે આ હું ચોરી કરીશ ને તમારો શિષ્ય છું તમને બદનામી નહીં થાય કે મને એમાં બદનામી શું તારે જે કરવું હોય કર તારી સાધન કે મને તમારા જેવી શાંતિ જોઈએ કે તારે શાંતિ જોઈએ છે ને એ મારે તને શાંતિ આપવાની છે બસ હું કહી દે એમ નહીં કે તું આ જ કર એને કે પણ કે તું ચોરી કરવા જા તો 5 વખત આ શ્વાસની સાથે તારા શ્વાસને જોજે અને પછી તને જે મન કરવાનું મન થાય કરજે આટલું બધું કહેવા છતાં કદાપી એને ચોરી છોડી નહોતી એની જગ્યાએ એ દિવસે ચોરી કરવા ગયો પણ એ ચોરી કરી શક્યો નહીં તો કે આ તો તમે જાદુ કર્યો અને એમ કરતા છેવટે એ સાધુ થયો ત્યારે એમ કે છે કે તમે મને એને સામેથી તમે મને ચોરી કરવાની હા કેવી રીતે પાડી કે કેવું શું ચોરી ના કરાય પણ તો કે ચોરી એ તારો ધંધો છે ઇટ ઇઝ એ કેરેક્ટર કેરેક્ટર ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ યોર કોન્શિયસ તે કોન્શિયસમાં એવું નક્કી કર્યું કે મારે આપ તમારા જેવી શાંતિ જોઈએ છે મારે પ્રભુ જોઈએ છે અને ખરેખર આ હું ખોટું કરી રહ્યો છું એટલું જ કાપી છે કેવું એમ મોટા પુરુષ કોઈ વ્યક્તિ એની પાસે આવે તો ગુરુજીએ સરસ સેન્ટન્સ લખ્યું આપ ત્યાં આયે હો ને ઇતના હી કાફીએ બાકી કા બાકી અસ્તુ મૂડું રાખો બાકી કા સબ ગુરુ સંભાલેંગે હમ જો સાધના કરતે હૈ હમારે બલબૂતે પે નહીં કરતે હૈ ક્યા પ્રભુ કી બસ કૃપા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ અમારી તો સાધના અમે તો અધ્યાત્મ યોગી બનના હૈ और अध्यात्म योगी बनने के लिए लुक एवरीबडी विद द आईज ऑफ इनोसेंस नो मैटर व्हाट दरेक नो मसालो जुदो छे जेने जेने पेनिटेटिंग आय छे कोई जुदी रीते जुवे छे अने आपणे जुए छे आपणे ऊपर थी जुए छे सो એટલે આ અધ્યાત્મ યોગની કોલેજ છે અહીંયા આવ્યા આપણે એટલા બધા નિર્ભય અને નિશ્ચિંત થઈ જવાનું છે આપણે કેવળ ભગવાન બોલવું સહેલું છે સાત્વિકતા ગ્રહણ કરવી સહેલી છે પણ કાકાએ આખી સાધના એક વાક્યમાં આપી દીધી ભગવાનનું જ સર્વોપરી કર્તાપણું મનાય અને એના દિવ્ય પ્રગટપણાનું અખંડ જાણપણું રહે એ તમારી સાધનાની પૂર્ણાહુતિ બાપાએ આખા વચનામૃતનું મેં પારાયણ કર્યું આખું વાંચ્યું વર્ડ બાય વર્ડ બધામાં છેવટે એ જ આવ્યું કે સુંદૃત યોગી ગીતા આપણું જીવન બને આપણી વાણી મીઠી બને આપણે બધાને જોયસ ફર્ગીવનેસ આપી શકીએ આપણી સહનશીલતા વધે આપણે સુરત ભાવ બીજાને પાસે સુરત ભાવની અપેક્ષા રાખીએ એના કરતાં આપણે સુરત બનીએ સ્વામી પાસે હું બેઠો હતો સ્વામીજી પાસે કોઈ આત્મીય બને કાકાજીનો જન્મદિવસ ન્યૂજર્સીમાં ઉજવેલો અને તે વખતે સાથે આપણે એમનો બી જન્મદિવસ હતો કોઠારી સ્વામીનો ત્યારે સ્વામીએ વાક્ય આપેલું કોઈ આત્મીય બને કે
ना बने ये प्रभु मने आत्मीय बनावजो। पछी अमे जम्मा गया स्वामी नी साथे मने दिनकर भाई ने बोलाव्या त्यारे मने के बापू आ तो वचला आ वचगाळा नु सूत्र छे खरु सूत्र तो हमणा तमारी अस्मिता जाळवी ने कहीए छे खरु सूत्र तो हकीकत नी साधना नी पराकाष्ठा एटले सौ कोई आत्मीय छे ज अने मारे आत्मीय बनवानु छे। हा पहले थी ज्यार थी आ आपणे साधना करीए छे त्यार थी काकाजी नी भाषामां त्रण शब्द आवता गुण विनय अने सेवा। पप्पा जी नी भाषामां आवतो आ पळ धाम रूप रहेवू छे। स्वामीजी नी सेवा शब्दोमां गरीब गरजूने गुलाम बनावजो। हा मे काकाजी ना शब्दोमांथी एक सरस बुक आपणे बनावी हती काकाजी नी 60 ने अमे जन्मजयंती उजवी त्यारे 75 मां के अध्यात्म योगी ने सत्संग तो एमने एम चालसे अरे एमने एम तिरुपति बालाजी में लाखों रुपया करोड़ों अबजो रुपया सेवा आवे छे केवू त्या भी मानसो टोळू जाए छे वड़ताल मंदिर में भी आज की तारीख में आटला बधा मंदिरों छे आपणा स्वामीनाना हाईएस्ट थाळ आवतो होय तो वड़ताल मंदिर में आवे छे शुं एटले दुधु बाज मार्ग तो चाल्या ज करवानो छे પણ આપણી ઇનવર્ડ જર્ની કે આપણે ક્યાં અટક્યા છીએ આપણી ચેતનામાં આપણે કેટલા જાગૃત થયા છીએ શું આપણે કેટલું લિવ વિથ અવેરનેસ છે અને એ કેટલી સહજ અવસ્થા બની છે એ આપણી સાધના છે એ મહારાજ એ અને એ સાધના આ બહેનો કરે છે હે પપ્પાજી પાસે આ બહેનોએ જે ભજન બનાવ્યા છે એ બધા અંતરદ્રષ્ટિના અને આંતરિક મંથનમાંથી બનાવેલા છે શું કેટલું સરસ ભજન જીવનમાં જોગીને લઈએ સમાવી પળે પળે જીવીએ ને વ્યાપક સ્વરૂપે એને નિહાળતા એટલે એ શબ્દો તરફ ધ્યાન રાખી આપણે જેટલા વિનમ્ર બનીએ આપણી આપણે જેટલા ગુણ ગાતા થઈએ કારણ બધા નાલાયક છીએ આપણે સ્વામીના શબ્દોમાં બધા જ નાલાયક છીએ આમ જો જોવા છાતી પર હાથ મૂકીને કહો તો કેવું પણ આપણે બધા સર્વોપરી પર છીએ કે મને મળ્યા છે કોણ છે મળ્યા છે કેવા છે મળ્યા છે એ મૂકે તેવા નથી ત્યારે આપણે મને સ્વામીના આપણે દક્ષા કોલોનીમાં બેસતા ત્યારે કહેતા ભગવાનના ભક્તોમાં કેવળ સંબંધ જોવો બુદ્ધિથી જોવું અને વિચારવું એ પાપ છે એ દ્રષ્ટિ માટે આજે આપણે આ ભજન સંધ્યા યોજી સરસ અંતરદ્રષ્ટિના ભજનો ગાયા હા અને સરસ મહિમાના ભજનો ગાયા જેમ જેમ મહિમાની શેર પૂરતી જશે એ મધ્ય 13 પ્રમાણે કામ ક્રોધાદિક પ્રકૃતિ જીતવાનો પ્રયાસ નહીં કરવો પડે સહેજે જીતાય એ તો જીતાઈ ગઈ છે પણ હઠ માન ઈર્ષ્યાના ભાવો આજે સ્વામી એટલું જ બોલાવે છે ત્યારે દાસના દાસ અને દાસના દાસ થાવ દાસના દાસ એટલે કઈ આપણે કઈ વાસણ માંજવા બેસીએ કે એવું એવું નથી દાસના એટલે ઝૂકીને છેલ્લાના 26 પ્રમાણે કોઈ અલ્પ સંબંધ વાળો હોય તેની પાસે હું કાંઈ ન સમજતો એવું એવું રાખી તો અંદરોઅંદર આત્મબુદ્ધિને પ્રીતિ અને સુરતભાવની વાત તો કેટલી મોટી થઈ ગઈ એ એવું વર્તવાનું તો મહારાજે કહી દીધું કેવું દાસનો દાસ થઈ જે રહેશે સત્સંગમાં ભક્તિ એની ભલી માનીશ રાચીશ એના રંગમાં તો હે મહારાજ એ સ્વામી સમ સુરત ભાવ અને એકતા વગર કોઈ રસ્તો નથી અને એ બહારના જોડે નથી કરવાની અંદરના જોડે કરવાની છે ઘરના જોડે કરવાની છે કેવી બહારના તો વખાણ કરશે માના એટલે કાકાજી બહુ જ પહેલા આપણે છેલ્લે છેલ્લે 85 ની શિબિરમાં પોષી પૂનમ ની શિબિરમાં કહ્યું મેં 15 વર્ષ પહેલા એક વાક્ય આપેલું કે બે વિરોધ પ્રકૃતિ વાળા સાથે મૈત્રી કરજો તમે કરી હાથ પર મૂકજો અને જ્યાં જેનું ખૂચે છે એનામાં દિવ્ય ભાવ થયો કેટલી આ અઘરી સાધના છે અને એ સાધના પપ્પાજીએ 52માં આવીને 54માં પૂરી કરી કેવી એકદમ કે નહીં બોલવું એટલે નહીં બોલવું જે આવે બધાને દીધી કાકાજી કે અહીંયા અમારે જેમિની સર્કસ આવતું હતું કેવું બધું
પણ પકડી રાખ્યું તો એવા મહારાજ અને એવા સ્વામી આજે આપણે એવી આધ્યાત્મિક કોલેજમાં બેઠા છીએ અને આવા પુરુષોનો સંબંધ છે. એટલે જ્યારે પણ તમે પોકાર કરશો ત્યાં, પોકારું ત્યાં આવે તું, પોકારું ત્યાં આવે તું, એ આપણે માટે પ્રગટ છે, હાજર છે. હા, તો હે મહારાજ, આજે અમને કોણે વાત કરી કે તમે પ્રગટ કરતા શીખી જાઓ, તમે પ્રગટ આપણે અનુભવ કરો, અર્થી અહીંથી જાઓ, રોજ એટલું નક્કી કરજો. રાતના આપણે 5-10 મિનિટ, 5 મિનિટ, છેવટે 3 મિનિટ, અને સવારના નો સુનેરી પુટ યોર ફૂટ ઓન ધ લે ઓન ધ અર્થ જમીન, એવી એ વખતે 5 મિનિટ પ્રાર્થના કરજો. આપણો રિમોટ કંટ્રોલ પ્રભુના હાથમાં આપી દેજો. બીજા શબ્દોમાં મને સ્વામીજીએ મારી ડાયરીમાં લખી આપ્યું, ભગવાનને માથે પડતા શીખી જાઓ, તમારી ફિકર તમે શું કામ કરો છો, લેટ હિમ ડૂ. જ્યાં સુધી આપણો રિમોટ નથી આપ્યો ત્યાં સુધી આપણે આપણી ચેનલ ચલાવીએ છીએ, લેટ હિમ પ્લે. સજાન સ્વામી મહારાજની જય. लेकिन एक खास बताता हूँ, 1 तारीख को शाम को भरत भाई का होता है प्रागट्य दिन मनाएंगे, 2 तारीख शाम को दिनकर भाई और बापू का अमृत महोत्सव मनाएंगे, और 3 तारीख सुबह कवई मंदिर के जो प्राणोत्सव है उसकी विधि का कार्यक्रम है. गुरु दर्शन है परम का द्वार, सागर गंगा का मिलन अपार, ओ सागर गंगा का मिलन अपार. जन्मों में मौका मिला है, संकल्प करके उठा लो